तो हम लोग खेल रहे थे नेशनल लीग, फर्स्ट मैच था धोनी और कोहली की टीम में, जो धोनी की टीम जीत चुकी है। तो अब मैच हो रहा है रोहित की टीम और हार्दिक की टीम के बीच में, और मैं हार्दिक की टीम से खेलने वाला हूँ। तो हमने जीता टॉस और पहले क्या बैटिंग करने का वो लिया चॉइस। दीपक चहर बॉलिंग कर रहा है रोहित की टीम से, और हमारी तरफ से ओपनिंग कर रहा है बैटिंग की राहुल त्रिपाठी एंड केएल राहुल। अरे भाई दोनों राहुल, वाह, मतलब दोनों ही रन नहीं मारने वाले क्या? चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। और ये देखो भाई क्या बढ़िया जर्सी लग रही है, ओपो ने स्पॉन्सर करा भाई हार्दिक की टीम को। और ये पिच ना थोड़ी अच्छी है, तो मतलब हमको 200-210 के आसपास ना रन बनाने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए। अगर उतने नहीं लगे तो हम हार सकते हैं। ओके इट शुड बी अ वाइड। अरे बड़े टाइम से ना मैंने बोला नहीं है अटेंडेंस लगाने के लिए आप लोगों को, एक बार ही लगाओ भाई, मैं भी देखूँ कौन कौन देखता है रेगुलरली। और जो भी अटेंडेंस लगाएगा ना, आई विल ट्राई कि मैं सबको हार्ट दूँ कम से कम। और क्या ही बढ़िया कट मारे फॉर अ फोर। पहले मज़ा आता था देख के कि भाई पता चलता था कि कौन कौन देख रहा है, अभी तो पता ही नहीं चलता कौन कौन देख रहा है। लोग पूरी वीडियो को देख जाते हैं, नाम पता नहीं चलता है। तो इससे ना पता चलता रहेगा कि कौन कौन अटेंडेंस लगा रहा है, तो वो पूरी देख रहा है। प्लस ये T20 का मैच अगर किसी को ना पता हो तो, यूजली हम T10 खेलते हैं लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट T20 में हो रहा है। पूरा टूर्नामेंट तो नहीं, पहले दो मैच तो T20 में हुए हैं। पहले ओवर में 11 रन आ चुके और गुड शॉट अगेन भाई, ओवर में 15 रन हो गए। राहुल त्रिपाठी बैटिंग ब्यूटिफुली, और मिस्टर शमी आते हुए विद हिज ग्रेट लुक इन हेयर वाइड। रोहित की ना बॉलिंग लाइन ना बहुत बढ़िया, पता है सिराज है, शमी है, और ये कौन था दीपक चहर है, क्या ही बढ़िया है। और स्पिनर्स में इनके पास राहुल चहर भी है, जो कि मतलब दीपक चहर और राहुल चहर एक ही टीम में हो गए। और ये बात चल रही थी ना ये T20 और आगे का पता नहीं, तो पता है मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि पहले तो मैच तो T20 में करवा दिए, तो जो फाइनल होगा वो हम T10 में भी करवा सकते हैं और 30 ओवर में भी करवा सकते हैं। तो व्हाट वुड यू प्रेफर, 10 ओवर का मैच, 20 ओवर का मैच या 30 ओवर का मैच? ये भी तुमको बताना है, जो भी मेरे को ज़्यादा कमेंट्स लगेंगे और बढ़िया लगेगा जिसका कमेंट, वो मैं चूज़ कर लूँगा। हाँ भाई इसने बोल दिया तो कर लेंगे, फिर कमेंट भी बढ़िया बढ़िया होने चाहिए ना, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दो, अरे ये कर दो, कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना। स्टार्ट तो काफ़ी बढ़िया मिली है हार्दिक की टीम को। ओके इस ओवर में तो 5 रन है, शमी हैज़ बीन ऑन पॉइंट, एक वाइड गई थी लेकिन तब भी सही है रोहित भाई अपनी कैप्टनगिरी करते हुए। और भाई केएल राहुल कहीं पे तो रन मार लो तेज तेज। हाँ चलो मैंने बोला रन कैसे नहीं मारेगा तो बताओ। ओके सिराज की बात करी थी, ही इज हियर नाउ, और सिराज की भी कितनी बढ़िया फॉर्म चल रही है यार, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है वो। मैंने ना इस सिराज का एक इंटरव्यू भी देखा था कि बोल रहा था जब कोविड आ गया था तब उसने अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करा, अब वो दिख रहा है कि कितना बढ़िया काम करा है वैसे तो। चलो बढ़िया, इंडियन टीम को एक बढ़िया बॉलर मिल गया, और क्या चाहिए। सिराज का काफ़ी बढ़िया ओवर जा रहा है पता है वाइड, मेरे को लगता है गेम को भी पता है कि भाई रन तो लगने नहीं है केएल राहुल से, ऐसे रन दे दो। अरे बॉल कौन लाएगा, ऋषभ पंत थोड़ी भाग सकता है, उन्होंने वाइड का चौका खुद ही बढ़वा दिया। जिस तरीके के पिच है वो लाइक की कम से कम 60 से ऊपर तो बन जाए पावर प्ले में, लेकिन केएल राहुल ऐसा खेलता रहा तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं होता भाई। क्विक सिंगल, क्विक सिंगल भाग लो भाई। हाँ ऐसे इन्होंने गलती करी दीपक चहर को निकाल के ना टाग से, जो स्विंग बॉलर है उसको तो स्टार्टिंग में करवा ही लेने चाहिए ओवर। ओके एज, नो 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 भाई ऐसे नहीं भागना। अरे गुड बैकफुट पंच, थोड़ा तो अटैक करना ही पड़ेगा भाई। शम्मी ने अटैक कर दिया स्टंप्स पे, लेकिन चलिए कोई नहीं भाई, 13 बॉलों पे 17 चलता है कोई नहीं। लेट्स गेट रजत पाटीदार, जो वैसे अभी इंजर्ड हैं, अब तो पक्का बन गए 60 भाई पावर प्ले में। चलो बढ़िया कवर ड्राइव, दो तो आएंगे ही। ओके बैकफुट पंच भाई, बिल्कुल गैप नहीं निकल रहा पता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है केएल राहुल ना वनडे खेलना है भाई, कट करा क्या बढ़िया, और गैप में भी निकल गई, पाटीदार नहीं मारा ना तभी गैप में निकली है। 3 भाग लो भाई, केएल राहुल भाई आपको भी रन मारने भाई, सुन लेता है कभी कभी केएल राहुल, बहुत ही बढ़िया पुल शॉट फॉर अ 4-6 जाता तो और भी अच्छा लगता वैसे तो। चलो वी आर बैक ऑन ट्रैक, 10 रन पर ओवर। अरे यार ये भाई या तो केएल राहुल से टाइम नहीं हो रही या तो बहुत ही बढ़िया टाइम कर रहा है। चलो भाई बच गया, कट करा था थोड़ी देर हवा में थी, मेरे को लगा कैच वैच ना हो जाए, लेकिन बच गए जिस हिसाब से मैंने केएल राहुल को ट्रोल करा है ना। लेकिन रन मार लिया केएल राहुल ने, फिर तो मैं ट्रोल करते ही रहे तो कम से कम रन तो बनेंगे। शमी इज बैक फॉर हिज 3rd एंड गेट्स अ विकेट। मेरे को लगा ये थोड़ा बैड डिसीजन हो सकता है, लेकिन विकेट मिल गई शमी को भाई, ट्रोल नहीं करना था भाई। कोई नहीं केएल राहुल आप जाओ, कोई नहीं
थोड़ा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा रखते हैं, अक्षर पटेल को लेके आते हैं। अक्षर पटेल भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है आजकल, आते ही कवर ड्राइव मारी दो कम से कम, या दो विकेट नहीं जानी चाहिए थी पावर प्ले में। बट वी हैव अ डीप बैटिंग लाइनअप, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। डीप बैटिंग लाइनअप तो पिछले मैच में भी थी, देख ही लिया था क्या हुआ है। जिसको नहीं पता भाई क्या हुआ था लास्ट मैच में, जाके देखाना अपने आप ही डीप बैटिंग लाइनअप से भी क्या होता है। ओके पॉइंट के ऊपर से मारा, मतलब बहुत ही बढ़िया टाइमिंग नहीं हो पाई, दैट्स वाई इज अ फोर। और पाटीदार तो बढ़िया फॉर्म में चल रहा है एकदम, बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव अगेन, बट इट्स अ सिंगल। चलो पावर प्ले में 60 के आसपास बन ही गए, 60 नहीं बने लेकिन 60 के आसपास बन गए। नहीं 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 भागना भाई, रन आउट नहीं होना मेरे को। राहुल चेयर इज हियर, भाई दीपक चेयर से भी बॉलिंग करा लो, लेट्स गेट टू इफ वी कैन। जान के मैंने प्रिसिशन शॉट खेला था ताकि दो रन आ जाए। अरे नहीं यार, इस स्पिनर्स को ना मारना बहुत मुश्किल है गेम में भाई, आउट मत होइयो बस। वो क्या छोड़ दिए, क्या बात है सिराज भाई, मेरी बात सुन ली, पता नहीं कैसे यूजुअली मेरी बातों को ना उल्टा का होता है। ये तो भाई इसने सही में कैच छोड़ दी सिराज ने, भाई ये तो इजी कैच थी सिराज, ऐसा करोगे अब? कोई नहीं मुझे दिक्कत नहीं। यस गेट अ सिंगल, लो जी ओवर खत्म, 5 रन आया ओवर में। भाई ये रोहित जी क्या करा रहे हैं, शम्मी के ओवर खत्म करवा रहे हैं। कोई नहीं हम कवर ड्राइव मारेंगे, बहुत बढ़िया। और ये तो चौका जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं है अभी, बहुत ही बढ़िया शेड ड्राइव। पावर प्ले के बाद वैसे भी बाउंड्रीज आनी थोड़ी कम हो जाती हैं, और वैसे हार्दिक की टीम में अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बैट्समैन बचे हैं जो तुमको धीरे धीरे पता चलेंगे कौन है। वैसे तुमको अभी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लाइनअप है चारों टीम की, देख लेना। और मैं ये सारी टीम्स अपलोड भी कर दूंगा, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो ये होंगी टीम्स। और मेरा यूजर नेम है अनमोल स्पेस जुनेजा स्पेस वाइट, आगे तुम लोग भी खेलो मजे लो। नहीं आउट नहीं होना अक्सर, आउट नहीं होना, गुड वर्क, 2 रन ले लो। वैसे अक्सर ने क्या ही अपनी बैटिंग इम्प्रूव करी है ना, मज़ा ही आ गया देख के भाई, इतना स्ट्रेट भी नहीं मारना था एकदम। और तुमको पता है ये हार्दिक की टीम में ना अक्सर भी है, जडेजा भी है, और वो खुद हार्दिक भी है, तीन तो ऑलराउंडर इतने बढ़िया हो गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और मिडल ऑर्डर में संजू सैमसन और दिनेश कार्तिक भी हैं भाई, क्या ही बैटिंग लाइनअप है इनकी तो। और अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, देव शार्दुल ठाकुर एज वेल, मिस्टर हरप्रीत बरार आए हैं, सीधा खेला है, आई होप इट गोज फॉर अ 4। यस अक्षर पटेल बढ़िया बैटिंग, 2 ओवर से वैसे भी बाउंड्री नहीं आई थी तो चाहिए ही थी। अरे लीडिंग एज, अच्छी बात है शॉर्ट कवर पे कोई नहीं था, 2 रन भाग लिए पता नहीं कैसे, बड़े तेज हो रहे दोनों। मिड विकेट खेला लेकिन फील्डर है वहां पे। अरे नहीं यार भाग भी नहीं सकते, 9 रन आए ओवर में, क्योंकि दीपक चेर इज बैक। मेरे को तो लगता है भाई को इसलिए निकाल दिया था, पहले ओवर में 15 रन खा लिए थे, बढ़िया दिन नहीं लग रहा था आज यार। लॉफ्टेड खेलता ना तो शायद 6 चला जाता, बहुत बढ़िया टाइमिंग करी थी। मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश करूंगा मैं, और चौका चला गया, मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा था बचा लेगा। चलो बाउंड्रीज तो आनी शुरू हुई। अरे नहीं यार पुल करना चाहिए था, लेकिन ये भी पुल करता तो कैच भी हो सकती थी, अच्छी बात है चलो जो हुआ सही है। गेट अ सिंगल, स्ट्राइक रोटेट करो। प्लस आप लोगों को जर्सीज कैसे लग रही है बताना ज़रूर, लास्ट टाइम तो आपको बढ़िया लगी थी। 10 ओवर में 90 के आसपास बन गए, वो भी बढ़िया है, 91 हो जाएंगे 10 ओवर में। मिस्टर बरार इज हियर अगेन, यस गेट अ सिंगल अगेन, सिंगल क्या ये तो 2 आ गए, बहुत बढ़िया। और तुमको मैं लास्ट टाइम नेशनल लीग के सीज़न 1 के बारे में बता रहा था ना, नेशनल लीग के सीज़न 1 में ना एक और बहुत बढ़िया चीज़ हुई थी, बताता हूँ तुमको अभी। तो लास्ट टाइम मैंने ना रियान पराग को किसी टीम में लिया था, क्योंकि उस टाइम वो थोड़ा बहुत ठीक खेल रहा था, तो मैंने लगवा दी रियान पराग से सेंचुरी। भाई रियान पराग ने खुद कमेंट करा था उस वीडियो पे अपने असली अकाउंट से, वीडियो के एंड तक रुकना मैं तुमको लिंक दूंगा, तुम जाके देख के आना खुद ही, तुमको यकीन नहीं हो रहा तो। और यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैंने रन आउट करवा दिया अक्षर पटेल को। लेट्स गेट जडेजा ना, क्योंकि लेफ्ट राइट थोड़ा बना रहा है यार, मुझे लगा नहीं था यार डायरेक्ट हिट मार देगा वो, और मुझे लगा नहीं था वो ऐसा आउट हो जाएगा रजत पाटीदार। और बरार भाई क्या कर रहे हो, लेट्स गेट संजू सैमसन ना, भाई ये तो गलत आउट हो गए, वाइट भाई 1 रन तो दो कम से कम। अब मजे की बात ये है 9 ओवर रहते इसके बाद, और दोनों बैट्समैन है 0 बॉल 0 रन,
अब तो ऑब्वियसली चेंज हो गया वो। बहुत ही बढ़िया रिवर्स हुई रविंद्र जडेजा का, आई थिंक इट्स अ फोर। जाने दो ओए जाने दे, अबे बचा कैसे लिया। चलो कोई नहीं, 3 रन हो गए, 11 ओवर में 100 रन। इतना बढ़िया चौका जा रहा था, रोक लिया। नहीं भागना भाई, नहीं भागना, अभी रन आउट हुए हैं। 9 ओवर में 100 रन तो मार नहीं है कुछ भी करके, मे भी लगेंगे मे भी नहीं। बैट्समैन तो है हमारे पास बढ़िया बढ़िया, मे भी नहीं भाई, खत्म। हम लेके आएंगे शार्दुल ठाकुर को, ठीक है, और हार्दिक को ना एंड के लिए रखेंगे, क्योंकि भाई एंड में वो बहुत बढ़िया मारते हैं। उससे बढ़िया तो शार्दुल ही है जो अभी दो तीन रन ले लेगा। फिनिशर्स को फिनिशर्स का ही रोल करने दो। मैं जब भी फर्स्ट बैटिंग करता हूँ ना, कभी अच्छे रन नहीं मारता, कभी भी नहीं। ओके भाई, मेरे को फालतू नहीं बोलना चाहिए, वैसे छीका मार दिया संजू सैमसन ने। सारे फैन संजू के अब तो खुश होंगे, कहीं पे तो सिक्स मार रहा है और कहीं से मतलब है कि इंडियन टीम में तो खेलने का मौका नहीं मिलता। ओए ओए ओए, यहीं पे खिला लिया हमने। हाँ बस, बहुत बढ़िया शॉट यार हरप्रीत, भागना जरूरी था, 2 रन मिलते आराम से हमको। ये प्रिसाइज शॉट खेलने में ना मेरे को बड़ा मजा आता है। यस भाई, इस पे पक्का दूंगा, इस पे पक्का दूंगा। आगरे के 6-7 ओवर में ना काफी रन मारने पड़ेंगे भाई। क्या ही कट करा है चौका, जान कहाँ से जान दो भाई, बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट है, रन ही नहीं मारने देते वो। ओके इस बारी शायद गैप में गई और 2 आ जाए। यस वी गॉट 2। मिस्टर राहुल चेहरा आया है बॉलिंग करने के लिए भाई, बहुत ही बढ़िया शॉट शार्दुल, सीधा मारा फॉर 4। कुछ तो रन आ रहे हैं, गलत टाइम पे बोला बस मैंने। चलो लेट्स गेट हार्दिक नाउ। ओ भाई क्या ही बढ़िया टाइमिंग थी यार, बट इट्स अ सिंगल। आई वोंट लाइक टू से एनीथिंग, झोना तो हो गया। लेट्स गेट दिनेश कार्तिक नाउ। ओवर में जाते हुए 2 विकेट, मजा ही आ गया देख के। लेट्स गेट अ सिंगल। 80 रन तो बन ही नहीं सकते और ये दोनों मिलके थोड़ी 80 मार रही है। मिस्टर हरप्रीत बरार का लास्ट ओवर है ये। यस भाई तमीज से निकाल लो। ओके बढ़िया, चौका तो अभी भी नहीं मिलेगा पक्का पता है मेरे को। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ भी तमीज से खेला, आखिरी के 3 ओवर में रन मारे। अरे ये तो बढ़िया गैप निकला है, ये तो जाने दो। 3 बॉलों से यही गैप ढूंढ रहा था मैं, तब तक ऐसे रन निकालो जितने निकल रहे हैं। नहीं भाई मत भागो भाई, रहने दो प्लीज। पूरे बैटिंग लाइनअप की डेप्थ यूज हो गई। अरे 5 में से 2 तो राहुल चेहर के ही हैं, मैं मारूंगा ही नहीं, जा। ओके कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश करी, परफेक्टली टाइम्ड और चौका बचा लिया। परफेक्टली टाइम करने का क्या फायदा हुआ अगर 6 भी नहीं गया और चौका भी नहीं गया। भाई ये तो गूगली थी, अच्छा हुआ आउट नहीं हुआ। भाई रहने दो, मेरा बस की नहीं है खेलना, मैं समझ गया। मुश्किल से 130 रन बने और भाई 2 रन भाग लो प्लीज। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए हैं भाई, रहने दो 4 ही रहेंगे। बस आखिरी के 4 ओवर में 50 तो बनाने हैं कुछ भी करके। अब आखिरी के 4 ओवर में 50 कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता। सिराज आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, सिराज भाई थोड़े रन खा लो प्लीज। ही इज लाइक नो, गो टू हेल। हार्दिक भाई भी जाते हुए, ऋषभ बुमराह आते हुए, ये तो जीजी हो गया मेरे को लगता है। मैंने पहली बोला तो बहुत बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है रोहित की टीम की। चलो कुछ तो रन आए, 2 रन। 180 से नीचे आते आते मैं 170 तक पहुंच गया, 170 भी बन जाए भाई दिल से खुशी तो मिलेगी ना। चलो गैप में खेल दिया, ये सी बात की खुशी है। हाँ थैंक यू चौका जाने देने के लिए, ठीक है भाई अब आपको ही संभालना है। आखिरी बॉल में अब सिंगल लेना पड़ेगा ताकि मिस्टर बुमराह स्ट्राइक पे ना रहे। गुड शॉट, टेक अ सिंगल, कोई जरूरत नहीं है भाई फालतू भागने की। 141 हो गए। आखिरी के 3 ओवर में अगर डीके ने 30 रन सुपर बनवा दिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, चेहर को रन मार पाओगे आप? मुझे लगता नहीं है। और सीधा खेला, आई होप इट गोज फॉर अ 4-6, आई डोंट नो, इट्स अ 4। चलो पहली 2 बॉलों पे 6 रन तो आ गए। ठीक है सिंगल, ये तो भागना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल तो बुमराह भाई भी ले लेंगे। वो ये क्या खेल दिया आराम से। आई एम जस्ट ग्लैड कि 150 के अराउंड हो गए इसी ओवर में हमारे, और रन आउट मत होना बुमराह भाई, थैंक यू। अगर बुमराह ने यहाँ पे कहीं पे चौका घुमा दिया ना मज़ा आ जाएगा।
कूल, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। अब दो ओवर बचे, एक ओवर सिराज का, एक ओवर किसका, दीपक चहर का। राहुल चहर और दीपक चहर में मैंने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, कहीं ना कहीं उल्टा बोला ही होगा मैंने, मेरे को ऐसा लगता है। और ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अ सिक्स, वी नीडेड दिस। 160 हो गया यार। ओके एज लगा था। ओके भाई गेम भी लाइक फ्री केरल ले लो। और वाइट क्यों नहीं दी भाई, इसके दिए इट शुड बी अ वाइट ब्रो। भाई यहाँ पे जो डिगरेस भी ना वाइट का, क्या करे। और बुमराह समझ रहे सामने वाले को स्टुअर्ट ब्रॉड, लेकिन वो सिराज है भाई। वी गॉट टू 173। बुमराह ने तीन चौके मार दिए हैं। दीपक चार आखिरी ओवर में भी 10 खा लो बस कुछ भी करके। वैसे मैं तो चाहूंगा कि 185 तक बन जाए और मजा आएगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मिस्टर सकारिया जी आए, डी के तो आउट हो गए। यार चौका चला जाए मजा आ जाएगा। टेक अ क्विक सिंगल, क्विक सिंगल। 175 ऑल आउट। व्हाट डेप्थ थी ना हमारी बैटिंग लाइनअप में। 175 ऑल आउट। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आ रहे ओपनिंग करने के लिए। एंड वी हैव बुमराह ऑब्वियसली। भाई ये जो पिछला मैच हुआ था ना उससे थोड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड था ये, दिख ही रहा होगा तुमको। मारी एज पे कैच जाती है रोहित शर्मा की, एज पे पहली बॉल पे चौका। ओके दिस वॉज नाइस। दूसरी बॉल देख के तो मेरे को मजा ही आ गया। और भाई ये सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई, इसका मतलब पता है ना क्या है। मैं बोलता भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे दोनों को। भाई साहब बोलिंग, इसको बोलते असली बोलिंग। ओके गुड शॉट, चौका जा सकता है ये। यस इट्स अ फोर। शुभमन गिल वैसे भी फॉर्म में आजकल, और आपने इतनी देर अगर वीडियो को देख ही लिया तो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट द चैनल वाय सुपर थैंक्स। आउट है, आउट है। यार रिव्यू एक ही है, नहीं तो मैं पक्का लेता। पिच में बाउंस है और मेरे को ये लग रहा है कि वो बाउंस हो जाएगी, इसलिए मैं रिव्यू नहीं ले रहा। एक बारी फिर भी देख लो, लेकिन रिव्यू नहीं लिया। अच्छा करा वैसे शायद मैंने। आई थिंक इट वॉज गोइंग डाउन लेग साइड एज वेल। अरे बहुत अच्छा करा रिव्यू नहीं लिया मैंने। भाई नो बॉल डल गई गलती से। मिस्टर सकारिया जी नो बॉल नहीं डाल सकते, पहले ही कम स्कोर है भाई। फ्री हिट पे छिका खा लिया भाई, लगता है अक्सर से बॉलिंग करवानी पड़ेगी पावर प्ले में। कैच इट, कहाँ से कैच इट यार। बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी हमको, लेकिन क्या कर रहे हैं हम अच्छी बॉलिंग। द आंसर इज नो। शुभमन गिल रोहित शर्मा सभी फॉर्म में लग रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन खा लिए सकारिया भाई, अब विकेट भी ले लो बस, और रन मत खाना अब ओवर में। चौका ना जाए तो आई विल बी ग्लैड। यस लेट्स गेट अक्षर पटेल। मुझे भी नहीं पता मैं अक्षर पटेल को क्यों लेके आया हूँ। मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि वो रन खा ले। आउट। फाइनली द बॉलिंग चेंज वर्क। कभी कभी मेरे बॉलिंग चेंज काम आते हैं वैसे तो। भाई रिव्यू मत ले, क्यों ले रहे रिव्यू, पागल है क्या भाई। आई होप कि बस ये आउट हो। पिचिंग इन लाइन, अंपायर्स कॉल। भाई जी हमको विकेट मिली है, जैसे भी मिली है लेकिन मिली है, ये हुई ना भाई बढ़िया बात। जाओ भाई जाओ, दिक्कत ख़त्म नहीं हुई क्योंकि नितिश राणा आए हैं। के आर के कैप्टन है इस बारी वो। आई जस्ट होप कि अब रन भी ना पड़े ओवर में। हाँ जी बहुत बढ़िया, डायरेक्ट हिट मारो, लेकिन वो भाग ही नहीं रहे तो फ़र्क क्या पड़ता है। अब हमें शुभमन गिल की भी विकेट चाहिए होगी बहुत जल्दी जल्दी। हाँ जी बढ़िया बॉलिंग अक्सर, वैसे हमारे पास जडेजा भी हैं भाई। क्या ओवर डाले पहली बॉल पे चौका खाने के बाद, व्हाट अ ब्यूटीफुल कमबैक। और सकारिया जी अब भी कुछ बढ़िया बॉलिंग कर लेते तो अच्छा लगता, अब भी पहली बॉल पे चौके खा रहे हैं। सकारिया की जगह मैं सोच रहा हूँ हार्दिक से ही बॉलिंग करवा लूँ। इस ओवर के बाद पता ही चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस सकारिया के ओवर में हार्दिक को दूंगा तो। अब इस ओवर में 2 रन से भी ऊपर पड़े ना पक्का भाई आपके 2 ओवर तो गायब है सकारिया फिर तो। यार अभी फील्ड की ऐसी हुई है तो मैं क्या बोलूं। और ये बॉल के ऊपर लेटा कौन था, रजत पाटीदार। नाइस भाई, ये पाटीदार से अपनी लड़ाई करिए सकारिया, ठीक है। ओके डॉट बॉल, 2 ओवर निकालनी है देख ले। ओके एक और डॉट बॉल निकल गई। सकारिया भी लाइक मैं तो बढ़िया कमबैक कर रहा हूँ भाई। ओके एक रन एक्स्ट्रा लग गया, कोई नहीं सैड हो गया, अब कोई नहीं हार्दिक को ही ओवर मिलेगा। आ जाओ अक्सर, और मुझे एग्जैक्टली यही वाली बॉल नहीं डालनी थी जो मैंने गलती से डाल दी। कोई नहीं चलता है, नाइस वर्क। ओवर की पहली बॉल पे बहुत चौके खा रहा हूँ मैं।
अरे नाइस भाई, रन आउट हो सकता है क्या? नहीं, अभी तक फिर भी थोड़ा डिसेंट ओवर ही है, 5 ही रन आए हैं। चलो तो 6 हो जाएंगे, वो भी चलता है। आखिरी बॉल है अक्षर भाई, निकाल लियो सही से। नाइस यार, सिर्फ 6 रन आए ओवर में। भाई याद है तुमको मेरी एक बात, शार्दुल आता है तो विकेट आती है, लेकिन इस बार ही आएगी क्या पता नहीं। और होपफुली विकेट आए तो फिर वो शुभमन गिल की आए, मैं तो यही चाहूंगा। आई विल गो फॉर अ इन स्विंगर, जो सही से स्विंग नहीं हुई बट बैट पे बहुत बढ़िया आ गए शुभमन गिल के, फॉर अ 4। पावर प्ले का वैसे भी आखिरी ओवर है, ही ट्राई टू स्कोर रन्स एनीवे। भाई शार्दुल आते हैं, विकेट तो नहीं आती, इधर रन जरूर आ गए, 8 रन आ गए। यस नाइस वर्क। और अब दिक्कत हमारे भी सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास जो दो स्पिनर है ना, दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम। आखिरी बॉल डॉट हुई, नो बॉल, बहुत ही बढ़िया। मैं एकदम परफेक्ट बॉल डालने के चक्कर में नो बॉल डाल देता हूँ कभी कभी। आई जस्ट होप ये 6 के लिए ना जाए, लेकिन चौके के लिए चली गई। लेट्स गेट जडेजा नाउ, देखते हैं कि कैसे बॉलिंग करते हैं हम भी। चौका बचा ले ब्रो, चौका खा ले ब्रो। दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, सही बता रहा हूँ मैं, ये दोनों तो एकदम सेट लग रहे हैं। वो जडेजा को मतलब बहुत ध्यान से खेल रहे हैं। बस ये नितेश राणा को आउट करो भाई, ये अपनी लेफ्ट टीस को बहुत मार रहा है। अब ऑफ स्पिनर कोई है ही नहीं टीम में, और कोई यार ढूंढ तो यार कोई ऑफ स्पिनर निकले तो। मजे की बात, अपने पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, और इनके अगले जो बैट्समैन आने वाले हैं वो हैं ईशान किशन एंड ऋषभ पंत। भाई अक्सर और ये इसको तो ख़त्म ना कर दे बस। एंड इट इज़ अ रिमाइंडर कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि फाइनल T10 में होगा, T20 या 30 ओवर में। तो कमेंट सेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है भाई, काम भी लो थोड़ा। ओके गुड शॉट, ओए नाइस बॉल यार, 75 पे 105 चाहिए। आई एम जस्ट ग्लैड अभी तक इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगी अभी तक। और ये थोड़ा थोड़ा आउट होते हुए बचा भी शुभमन गिल, अ वेरी वेरी गुड ओवर, ओनली 5 ऑफ इट। और उसका पैर लग गया था विकेट पे, बट अच्छी बात है डेड बॉल नहीं होगी, ये नो बॉल नहीं होगी। जडेजा इज बैक इन टू द अटैक एंड आई थिंक चौका लग जाएगा। 50 पार्टनरशिप फॉर नितेश राणा एंड शुभमन गिल। जडेजा भाई साइड चेंज कर लो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे को लगता है। एंड दिस वर्क्ड, आई डोंट नो हाउ बट दिस वर्क्ड। ईशान किशन आ गए, चलो। ओए होए बॉलिंग यार, देखा जाए तो अपने दोनों स्पिनर्स ने कमाल करा अभी तक। एकदम तेज आर्म बॉल डालूंगा तो काफी इंटरेस्टिंग मैच बन रहा है। आउट, आई थिंक पैड लगा था, सिर्फ बैट बैट नहीं लगाया, तो फालतू की अपील ना ही करो तो बेटर है। अपील तो कर दी वैसे मैंने। अभी हमारे लिए एक बढ़िया बात पता है क्या तुमको, कि हमारे बुमराह के 3 ओवर रहते हैं अभी भी, शायद बीच में मैं एक ओवर करवा दूँ बुमराह से, लेकिन हार्दिक से भी 2 ओवर निकलवाने हैं हमको, वो भी देखना पड़ेगा। ये सकारिया से एक ओवर करवा के देख लो। मैंने क्यों बोला भाई अपने स्पिनर कमाल कर रहे हैं? भाई नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, मैं बोलता हूँ तो यही होता है एकदम। अच्छा भला इतना प्रेशर बना हुआ था, बढ़िया। अरे कैच कहाँ, चलो ये तो कैच कहाँ से ही होगी, कोई होना भी तो चाहिए। 62 बॉल्स पर 90 चाहिए अभी। गुड फील्डिंग ब्रो KL राहुल, क्योंकि ऑफ स्पिनर तो चाहिए। ओके जी बच्चा लो, कोई 90 रन तो मार दिए इन्होंने। देखो ये स्पिनर से आखिरी ओवर होगा, अगर इस ओवर में भी इन्होंने रन मार दिए ना, फिर हमको ना थोड़े बहुत अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। अब ईशान किशन भी आउट हो जाए तो अलग बात है, जो लग नहीं रहा कि आउट होगा। ओके सिंगल भाई, ये तो आराम से खेल रहा है पता है स्पिनर्स को अब। ओके मेरे को लगता है ये स्पिनर का आखिरी ओवर ही था बस। अब हार्दिक से हमको सकारिया के 2 ओवर करवाने और स्पिनर्स के भी 2। अभी तक तो ये प्लान है कि देखते क्या होता है, पता चले मिस्टर हार्दिक भी रन खाने लग जाए। चौका बचा लो, यस दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 100 रन तो हो गए यार इनके टीम के, 76 ही और चाहिए यार, वही 10 रन और आ जाते हैं ना कुछ करके। डी के पहली बॉल पे ना आउट होता आखिरी ओवर के तो कुछ हो सकता था। चलो ये तो हो जाने वाली बातें हैं। ओके चौका बचा लो यार, चलो ओवर में तो अभी तक सिर्फ 6 ही रन आए हैं। मेक इट 10 ब्रो, मेरे को तो एक ही चीज़ समझ आई, बुमराह को ले आओ, मिस्टर बुमराह ही कुछ कर सकते हैं। कूल, 46 पे 64 चाहिए,
भाई एक दो बोल्ट मारो बुमराह, तभी कुछ होगा। कैच इट, कैच इट। हाँ जी हाँ जी भाई, थोड़ी कैच ड्रॉप हो गई मुझसे गलत टाइम पे, बट रन आउट हो गया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता भाई, देखो गेम की गलती नहीं थी, जो कैच ड्रॉप थी वो तो मुझसे थोड़ी इधर उधर हुई, सही बताऊंगा, लेकिन ये कैसे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। ये देखो डीके ने रन आउट कैसे करा पता नहीं, लेकिन वेरी गुड, आई डोंट नो इट वर्क्स फॉर मी ब्रो। ऋषभ पंत मेरे को पता आपके लगी हुई है, लेकिन आउट हो जाइए प्लीज। शुभमन गिल भाई अब आप भी आउट हो जाइए, अच्छा लगेगा। ओ आई थिंक इट्स गोइंग डाउन लेग साइड, बट क्या प्यारी बॉल थी। ओ नाइस वन। मिस्टर हार्दिक जी आप आ जाइए, देखते हैं आप भी क्या कर पाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैच थोड़ा फेवर में तो है, क्या बोलते हैं रोहित की टीम के, क्योंकि चेस कर रहे हो और इजी चेस हो सकती है ये। वो तो वैसे फिर ये भी सकता है कि मैं गलती करवा दूं इनसे और ऐसे आउट कर दूं। आई थिंक इट शुड बी आउट। ओके ग्लव पे नहीं लगी है वैसे देखा जाए तो। ये शुभमन गिल बच गया बस। कैच इट ब्रो, हाफ सेंचुरी होगी शुभमन गिल की ब्रो। ओवर में अभी तक 6 रन है, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ बस इसके बाद एक और डॉट बॉल आ जाए और कोई टेंशन की बात नहीं, फिर मैं मानूंगा कि हाँ ये सक्सेसफुल ओवर था। इट्स अ नो बॉल प्लस अ 4, क्योंकि दो बॉल ऊपर होगी कंधे से ओवर में। हार्दिक जी हो गया आपका भी, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगी बॉलिंग, समझ गए। वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी अंडरस्टूड। आ जाइए जडेजा, आप ही आ जाइए। होपफुली जडेजा ऋषभ पंत की विकेट ले पाए। भाई 3 रन तो इन्होंने ऐसे भाग लिए, ये तो बड़ा ही इंटेंस मैच चल रहा है। ओ यार मजा आ जाता वो विकेट गिरती तो। भाई 2 बारी शुभमन गिल, अब 2 बारी बची हो भाई ऐसे, और 3री बार नहीं बचोगी अगर मैंने कैच कर ली तो। इस बारी कैच नहीं छोड़ी, पिछली बार मेरी गलती थी तो रन आउट करवा दिया, लेकिन इस बारी तो फायदा हो गया अपना। भाई क्या मस्त बॉलिंग चेंज करे ना इस बारी मैंने। ओवर में अभी तक सिर्फ 5 रन आए हैं। बोलिंग जड्डू, 6 रन हो गए ओवर में, मजा आ गया। अक्सर से भी करवा ही देते हैं। दे आर गोइंग टू गेट 2 अगेन, मतलब आखिरी के 4 ओवर अब हम शार्दुल और बुमराह से करवाएंगे। भाई एक तरफ विकेट जाएंगे और रन नहीं लगेंगे, और एक तरफ से सिर्फ रन लगेंगे। अब वो किसकी साइड से क्या होगा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, खुद सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई ओवर में 4 रन तो हो गए हैं। अरे भाई इतना गुस्सा, भाई एक ही जगह मारने के तुमको सिर्फ। यार 7 रन हो गए ओवर में और 7 ही रहेंगे। लेट्स गेट शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत जितवा सकता है इनको मेरे को लग रहा है। वैसे तो वेंकैयर भी अच्छी फॉर्म में है यार, एक और अच्छा ओवर आ जाए ना तो मैच पूरा बैलेंस में रहेगा। दे आर ट्राइंग टू स्कोर रन्स, लेकिन हमारी बॉलिंग काफी बढ़िया रही है, और मिड विकेट खेल दिया ऋषभ पंत ने। फॉर इट वॉज अ गुड शॉट। अब 2 बॉल है, दोनों डॉट निकल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। सॉरी सॉरी, गलत टाइम पे गलत चीज है तो मैं वैसे ही बोलता हूँ। भाई सिचुएशन ऐसी है, बुमराह को डालने मिड एंड ओवर बस, वो भी 2 क्योंकि एक में 20-22 तो वो खा ही लेगा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जो अगला ओवर है वो मैं शार्दुल से करवाऊँ, सकारिया से करवाऊँ या हार्दिक से करवाऊँ। ये तो फुल इंटेंस T20 मैच है भाई। और कैच इट ब्रो, सैमसन भाई जी थैंक यू थैंक यू। हरप्रीत बरार अभी भी है, अरे यार ऋषभ पंत इज बैक ऑन स्ट्राइक। भाई क्या ओवर डाले ना बुमराह ने, मजा ही आ गया देख के। ओनली 2 ऑफ द ओवर, ओनली 2, और ये भी बरार ने मिस कर दी। आई थिंक आई विल गो विद द कैप्टन, आई डोंट नो व्हाई, मेरा मन कर रहा है कि हार्दिक से ही बॉलिंग करवाएं। कोई नहीं रन खाएगा खाएगा, देखा जाएगा। गुड बॉलिंग यार, नहीं यार ओवर थ्रो का चौका खा लिया, ये तो थोड़ा जीजी सा हो गया क्योंकि बरार भाई स्ट्राइक पे आ गए पता नहीं कैसे। आई बोल अ स्लोअर वन अगेन एंड इट वर्क्ड। मिस्टर हरप्रीत बरार जी नहीं 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 भागना नहीं है, भागना नहीं, गुड। आई विल गो फॉर अ यॉर्कर भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। देखो आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, बरार और पंत बैटिंग कर रहा है उस साइड।
और वैसे भी नॉकआउट मैच है तो देखा जाएगा जो भी होगा। मिस्टर ऋषभ पंत, मेरे को पता है आपकी तबीयत सही नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ आउट हो जाओ, लेकिन वो शायद चौका मार लेंगे, चौका बचा ले। अरे ब्यूटीफुल फील्डिंग अक्सर, 4 बॉलों पे 11 रन, मतलब 2 डॉट तो चाहिए ही हमको। 3 बॉलों पे 5 रन चाहिए यार, ये ना थोड़ा इधर उधर हो गया जरा ऋषभ पंत की वजह से। ओके डॉट बॉल आ गई, डॉट बॉल आ गई। एक मैं बहुत तेज शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश करूंगा जो होपफुली काम आ जाए। मेरे को ये गेम ही नहीं खेलनी, मैं जा रहा हूँ भाई, हो गया मेरा, आई एम डन फॉर द डे बॉयज। एच पे छक्का लगाया भाई, भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। ऋषभ पंत वैसे बहुत बढ़िया इनिंग्स, 22 बॉलों पे 44। तो लाइक ना करो तो कर देना, सब्सक्राइब ना करो तो कर देना। एंड वो जो रियान पराग वाली वीडियो बोली थी ना, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, नेशनल लीग की सीजन 1 की, जाके देख लेना देखनी हो तो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।